क्लिंडाजोल्स वेजाइनल सपोजिटरी, क्लिंडाजोल्स वेजाइनल सपोजिटरी का क्या यूज है, कब इसको यूज़ किया जाता है, कितने दिन यूज होता है, यूज़ करने से क्या बेनिफिट्स होता है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स है, इसके अंदर क्या क्या कंपोजिशन लगे और किस पर काम करता है, उसका डोज और डोसेंस कितना होना चाहिए, और ये सपोजिटरी को यूज़ करने का सही तरीका क्या, इसको कब और कैसे इस्तेमाल किया जाता है, और ये सपोजिटरी को इस्तेमाल करते समय क्या क्या प्रिकॉशन रखना चाहिए। तो क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रही, चैनल पर वीडियो पर पहली बार विजिट किए या आप ही आपने हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास एक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। वीडियो स्टार्ट करते एक छोटे से इंट्रो के बाद। दिस वीडियो इज ओनली एंड ओनली फॉर एजुकेशनल पर्पस। सब्सक्राइब करें मेडिसिन जानकारी को सबसे पहले मेडिसिन से जुड़ी जानकारी के लिए। शुरू करते हैं क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी, जो कि हमारे पास तीन वेजाइनल सपोजिटरी है, जिसकी एमआरपी की बात करें इसकी एमआरपी टाइम के साथ चेंज होती रहती है। आज जो हमारे पास सपोजिटरी है उसकी एमआरपी 163। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी को वाल्टर बोस्नेल्स कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के अंदर कंपोजिशन की बात करें उसके अंदर कंपोजिशन से क्लिंडामाइसिस एंड क्लोट्रिमाजोल वेजाइनल सपोजिटरी इसके अंदर डाले गए हैं। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का यूज़ के बारे में बात करें तो इसका इस्तेमाल सिंड्रोमिक्स ट्रीटमेंट्स वेजाइनल डिस्चार्ज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल ये ट्रीटमेंट करता है वेजाइनल इन्फेक्शंस और वेजाइनल डिस्चार्ज में, यह संक्रमणकारी सूक्ष्म जीवों के विकास को रोककर इन्फेक्शन के खिलाफ लड़ता है और यह प्रिवेंट करता है और इन्फेक्शंस को स्प्रेड होने से रोकता है। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल योनि स्त्राव का सिंड्रोमिक इलाज के लिए क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल किया जाता है। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी को यूज़ करने का तरीका बताएं तो क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी को एप्लीकेटर का उपयोग करके वेजाइना में डाला जाता है। आमतौर पर रात को सोने से पहले इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के कुछ कॉमन साइड इफेक्ट में हो सकता है योनि में जलन की अनुभूति होना, खुजली होना, जलन होना, तो कुछ कॉमन साइड इफेक्ट देने को मिल सकते हैं। तो क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल अपने गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर की देखरेख में इस्तेमाल करें। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी किस प्रकार काम करता है, यानी कि हाउ टू वॉश क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के अंदर दो मेडिसिन रहती है, यानी कि क्लिंडामाइसिस और क्लोट्रिमाजोल। क्लिंडामाइसिस की एंटीबायोटिक्स मेडिसिन है जो बैक्टीरिया को काम करने के लिए जरूरी प्रोटीन के बनने की प्रक्रिया को रोककर योनि मार्ग में उसके विकास को रोकता है। क्लोट्रिमाजोल एक एंटीफंगल मेडिसिन है जो कवक को खुद के लिए सुरक्षा कवच बनाने से रोकता है, जिससे कवक का विकास रुक जाता है। साथ में मिलकर वे योनि के इन्फेक्शन का असरदार तरीके से इलाज करते हैं। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी को यूज़ करने के पहले अपने जनरल पेशेंट फैमिली डॉक्टर या गायनोकोलॉजिस्ट डॉक्टर से प्रिस्क्राइब करें, बाद में इस वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल करें। अपने मन से क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल कभी भी नहीं करें तो क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी के बारे में कुछ भी डाउट नहीं, कमेंट सेक्शन बताएं। क्लिंडाजोल वेजाइनल सपोजिटरी का वीडियो आपको थोड़ा सा यूजफुल हेल्पफुल लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिए, बेल को प्रेस कर दिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू वॉचिंग फॉर माई वीडियोस। ये वीडियो केवल एजुकेशन पर्पस और नॉलेज के लिए था। कोई भी वेजाइनल सपोजिटरी का इस्तेमाल करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से जरूर सलाह लें।